फाइनली गाइस आइको ने इंडिया पर लॉन्च कर दिया है उसका ब्रांड नेम स्मार्टफोन आइको G3। ये जो स्मार्टफोन आता है 6GB 128GB वाला वेरिएंट के साथ सिर्फ 20,000 रुपीज़ के अंदर, और 20,000 रुपीज़ के अंदर काफ़ी अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है। लेकिन गाइस स्मार्टफोन जो स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है लगभग सेम स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है पोको की तरफ से, पोको X3 प्रो। तो यहाँ पर काफ़ी सारा दोस्तों कन्फ्यूज है ये दोनों स्मार्टफोन लेकर, क्या अभी मुझे पोको X3 प्रो स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए ना आइको की तरफ से आइको G3 5G स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए, ये दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है, कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं मिस्टर संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना, उसी के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल में क्लिक करना। आज का वीडियो का लाइक का जो टारगेट रखते हैं सिर्फ 100, उम्मीद करते हैं आप लोग पूरे कर दोगे। पहला बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की डिजाइन के बारे में। गाइस अगर डिजाइन की तरफ देखा जाए तो मुझे जो बेटर लगता है वही गाइस पोको X3 प्रो का डिजाइन, क्योंकि गाइस जो स्मार्टफोन आता है काफी अच्छा खासा डिजाइन के साथ। स्मार्टफोन के पीछे की तरफ आपको ग्लॉसी लुक भी देखने को मिल जाएगा, पीछे की तरफ रहने वाला है क्वाड कैमरा सेटअप LED फ्लैश, और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर होगा साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाए तो स्मार्टफोन आता है सेंटर पंचोल डिस्प्ले के साथ, और अपर आईको G3 भी काफी अच्छा खासा डिजाइन के साथ आता है। ये जो स्मार्टफोन आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ, स्मार्टफोन की पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा ट्रिपल कैमरा सेटअप LED फ्लैश, यहां पर भी साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस फ्रंट साइड की तरफ देखा जाए तो स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले की तरफ देखा जाए तो बिल्कुल बाजी मारने वाला है पोको X3 प्रो, क्योंकि गाइस जो स्मार्टफोन आता है 6.67 इंच फुल HD प्लस एक IPS पैनल के साथ, उसी के साथ यहां पर हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ स्मार्टफोन आता है। और अपन आइको G3 आता है 6.58 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ, उसी के साथ यहां पर देखने को मिल जाएगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। वहां पर पोको X3 प्रो आता है दोस्तों सेंटर पंचोल डिस्प्ले के साथ, क्योंकि गाइस स्मार्टफोन के अंदर आप फुल व्यू डिस्प्ले का मजा ले सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में। गाइस अगर प्रोसेसर की तरफ देखा जाए तो बिल्कुल बाजी मारने वाला है पोको X3 प्रो, क्योंकि गाइस ये जो स्मार्टफोन आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से 860 चिपसेट के साथ, जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है 7 नैनोमीटर में बेस्ड है। ये जो चिपसेट है 4G चिपसेट है, लेकिन गाइस यहां पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस मिलने वाला है वो काफी अच्छा खासा, आपका जो फेवरेट गेम है स्मार्टफोन के अंदर आप हाई सेटिंग में बहुत ही स्मूथली खेल पाओगे। और वहां पर आईको G3 आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से 768G चिपसेट के साथ, जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है 7 नैनोमीटर में बेस्ड है। ये जो चिपसेट है 5G को सपोर्ट करता है, क्योंकि गाइस आईको G3 ये जो स्मार्टफोन होने वाला है 5G स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के अंदर भी काफी अच्छा खासा गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा पोको X3 प्रो के अंदर। इसके बाद बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की कैमरा के बारे में। गाइस अगर कैमरा की तरफ देखा जाए तो बिल्कुल बाजी मारने वाला है आईको G3, क्योंकि गाइस ये जो स्मार्टफोन आता है पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, इसका जो प्राइमरी सेंसर रहने वाला है वो 64 मेगापिक्सल, उसी के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए और 2 मेगापिक्सल है डेप्थ सेंसर के लिए। और अपर पोको X3 प्रो आता है पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, इसका जो प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाएगा वो 48 मेगापिक्सल, उसी के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए, 2 मेगापिक्सल है डेप्थ सेंसर के लिए और 2 मेगापिक्सल है माइक्रो लेंस के लिए। गाइस अगर रियर कैमरा की तरफ देखा जाए तो बिल्कुल बाजी मारता है आईको G3, लेकिन गाइस सेल्फी कैमरा के बारे में बिल्कुल बाजी मारने वाला है पोको X3 प्रो, क्योंकि गाइस ये जो स्मार्टफोन आता है 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ, और वहां पर आईको G3 आता है 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ। चलिए बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। गाइस अगर बैटरी की तरफ देखा जाए तो दोस्तों यहां पर ज्यादा एमएच बैटरी प्रोवाइड कर रहा है वही गाइस पोको X3 प्रो, क्योंकि गाइस ये जो स्मार्टफोन आता है 5160mAh बैटरी के साथ, और इनबॉक्स आता है 33W का फास्ट चार्जर के साथ। और अपर आईको G3 आता है दोस्तों 4440mAh बैटरी के साथ, उसी के साथ इनबॉक्स आता है 55W का फास्ट चार्जर के साथ, और दोनों स्मार्टफोन के अंदर टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए तो आपके लिए काफी अच्छा खासा स्मार्टफोन होने वाला है आईको G3, अगर आपको ज्यादा एमएच की बैटरी चाहिए तो आप पोको X3 प्रो की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की स्टोरेज वेरियंट के बारे में। पोको X3 प्रो आता है दोस्तों 2 वेरियंट स्टोरेज के साथ, 6GB 128GB वाला वेरियंट और 8GB 128GB वाला वेरियंट। और अपर आईको G3 आता है 3 वेरियंट स्टोरेज के साथ, 6GB 128GB वाला वेरियंट, 8GB 128GB वाला वेरियंट और 8GB 256GB वाला वेरियंट। दोनों स्मार्ट
स्मार्टफोन आता है इनबॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ। दोनों स्मार्टफोन के अंदर 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। गाइस अगर प्राइस की तरफ देखा जाए तो iQOO G3 आता है 6GB 128GB वाला वेरिएंट के साथ 19,990 रुपीज के अंदर, और अगर पोको X3 प्रो आता है 18,999 रुपीज के अंदर। इसके बाद बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है, कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। देखो गाइस अगर आपका मकसद है सिर्फ गेम खेलना, ये बात आप याद रखना, आप ज़्यादा गेम खेलना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा स्मार्टफोन होने वाला है पोको X3 प्रो। इससे दोस्तों अभी तक इतना पावरफुल चिपसेट के साथ अंडर 20,000 रुपीज़ के अंदर कोई भी स्मार्टफोन इंडिया पर लॉन्च नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ अगर आपका मकसद है सिर्फ गेम खेलना तो आप पोको X3 प्रो को परचेस कर सकते हो। अगर आपको चाहिए एक फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन, उसी के साथ आप गेम खेलना भी चाहते हो, ऑल एवरेज पैकेज के साथ एक स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो, अगर आपका बजट है 20,000 रुपीज तो आप iQOO G3 की तरफ जा सकते हो। ऐसे भी कैसे पर मेरे हिसाब से और ये दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है वे गैस iQOO G3, क्योंकि दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है फ्यूचर प्रूफ है। अपकमिंग जो सारा स्मार्टफोन आ रहा है सभी स्मार्टफोन के अंदर 5G देखने को मिलेगा, iQOO G3 के अंदर भी 5G देखने को मिलेगा, और ये जो स्मार्टफोन आता है काफी अच्छा खासा पावरफुल चिपसेट के साथ जहां पर गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा खासा मिलने वाला है, और ऑल एवरेज पैकेज के साथ आता है दोस्तों अंडर 20,000 रुपीज के अंदर iQOO G3। इसलिए दोस्तों यहां पर मेरे हिसाब से सबसे अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है iQOO G3। तो आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है, कौन सा स्मार्टफोन आप परचेस करने के लिए सोच रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूं मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना, उसी के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल में क्लिक करना। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।